Hey everyone, I hope all of you are doing very well. Today we are going to start with the first chapter of organic chemistry from class 12, that is haloalkanes and halogens. Dekho, organic chemistry ki jo weightage hai, that is about 28 marks in your board exams. तो जो तुम्हारा सेकेंड पार्ट है बुक का उसमें तुम्हारे 7 चैप्टर्स हुआ करते थे और 28 मार्क्स की ही वेटेज हुआ करती थी, बट दिस टाइम 2 चैप्टर्स हैज बीन डिलीटेड. पॉलीमर्स डिलीट कर दिया है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिलीट कर दिया है. तो अराउंड 5 to 6 मार्क्स तुम्हारे उन दोनों चैप्टर्स से आते थे. अब वो भी मार्क्स तुम्हारे किन चैप्टर्स से आएंगे? बस जो बाकी के बचे हुए 5 चैप्टर हैं उन्हीं में से आएंगे. ठीक है, तो ये 28 मार्क्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन ओनली 5 चैप्टर्स. ठीक है, कौन कौन से 5 चैप्टर? हैलोएल्केन्स हैलोरीन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड फाइनली बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल से काफी कम पार्ट आने वाला है क्योंकि उसमें से भी काफी कुछ डिलीट कर दिया गया है. तो जो तुम्हारी 4 चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो 28 मार्क्स की वेटेज है उन 4 चैप्टर से ही आने वाली है. तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है. देखो, हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्लासिफाई हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स. Then we are going to look at the nomenclature of these compounds, methods of preparation, their physical properties, and finally the chemical reactions that are involved in this chapter. ठीक है, तो let's get started. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि haloalkanes और halogens का मतलब क्या होता है. देखो, ऐसा मानो कि मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट? तो वो हाइड्रोकार्बन या तो एलिफैटिक हो सकता है या फिर एरोमैटिक हो सकता है. अब मैं एक एग्जांपल देती हूं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का. सिंपलेस्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग CH4 और एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन मैं ले लेती हूं बेंजीन. अब देखो, ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह एक हैलोजन एटम इंट्रोड्यूस कर दूं, देन द कंपाउंड दैट आई एम गोइंग टू गेट विल बी नोन एज अ हैलोएल्केन. देखो क्या बोला मैंने, अगर इस CH4 में से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और उस एक हाइड्रोजन की जगह मैं एक हैलोजन को ऐड कर दूं, तब क्या मिलेगा मुझे? एक हाइड्रोजन चला गया तो यहां पे बन जाएगा CH3 और उसकी जगह मैंने एक हैलोजन ऐड कर दिया X. तो ये जो हमें कंपाउंड मिला दिस इज नोन एज हैलोएल्केन. हैलोएल्केन, ठीक है. हैलोएल्केन तो हो जाता है तुम्हारा IUPAC नेम. और अगर कॉमन नेम देखना है, कॉमन नेम में तुम क्या कहोगे? दिस इज नोन एज एल्काइल हैलाइड. ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया है लाइक बेंजीन, तो यहां पे बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और इन 6 कार्बन एटम से तुम्हारे हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं 1 each. तो अगर मैं सेम चीज करूं, यहां पे एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दूं और उसकी जगह एक हैलोजन एटम प्लेस कर दूं, देन द कंपाउंड आई एम गोइंग टू गेट विल बी नोन एज अ हैलोएरीन. ठीक है, तो मैं ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूं, उसकी जगह एक हैलोजन ऐड कर रही हूं, तो ये क्या बन जाएगा यहां पे? X. सो दिस कंपाउंड इज नोन एज हैलोएरीन. इस हैलोएरीन को हम एराइल हैलाइड भी कह सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एराइल हैलाइड. और यहाँ पे हैलोएल्केन भी कह सकते हैं या फिर एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दीज टू कंपाउंड्स. देखो डिफरेंस क्या है दोनों में मेन. यहाँ पे जो हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लिया
उसमें से हमने जो हाइड्रोजन हटाया और हैलोजन ऐड किया तो हमें मिला हैलो एल्केन। तो ये जो कार्बन एटम था यहाँ विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द हैलोजन, दिस इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और इस केस में जो कार्बन एटम हमारा हैलोजन से डायरेक्टली अटैच है, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो ये चीज और ध्यान रख लेना कि इस केस में कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द हैलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वेयर एज इन दिस केस द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द हैलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने ये कोई रिएक्शन नहीं करवाया, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ रिएक्शन कि हाइड्रोजन को रिमूव करा और हैलोजन को ऐड करा, ये बस मैं ये बता रही हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे आया। ठीक है, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। वी कैन क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ हैलोजन एटम दैट आर इन्वॉल्व। Second one is on the basis of the number of halogen atoms that are involved. Third one is on the basis of the type of hybridization of the carbon atom in the carbon halogen bond. ठीक है, तो first basis देखते हैं। देखो type of halogen atom का क्या मतलब है, या तो हमारा halogen हो सकता है fluorine या chlorine, bromine या फिर iodine, right? तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा मानो कि अगर हमारा फ्लोरीन एटम है देन द कंपाउंड वुड बी फ्लोरो एल्केन या फिर फ्लोरो एरीन। अगर क्लोरीन है देन वी आर गोइंग टू से द कंपाउंड विल बी क्लोरो एल्केन या क्लोरो एरीन। तो इसके बेसिस पे, टाइप ऑफ हैलोजन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। दे कैन बी फ्लोरो, दे कैन बी क्लोरो, दे कैन बी ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि कितने हैलोजन एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है या उससे ज्यादा है, राइट? तो अगर हमारा एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है देन द कंपाउंड इज नोन एज अ मोनो हैलो कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। अगर हमारे दो प्रेजेंट होते हैं देन द कंपाउंड इज नोन एज डाई हैलो कंपाउंड। अगर तीन है वी कैन से इट इज ट्राई हैलो, चार है तो हम बोल देंगे टेट्रा हैलो, राइट? तो जितने भी हमारे हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। यूजुअली हम थर्ड फोर्थ तक आते आते उनको ये ना बोल के क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम पॉली हैलो कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो अगर हमारे थ्री है या थ्री से ज्यादा है हैलोजन एटम्स तो उनको हम पॉली हैलो कंपाउंड्स भी कह सकते हैं या फिर हम पॉली हैलोजन्स भी कह सकते हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ऑलराइट, नाउ फाइनली कमिंग टू द थर्ड क्लासिफिकेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। देखो इसमें हम क्या देखेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन एटम की जो हमारा डायरेक्टली हैलोजन से अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू टाइप्स, या तो ये कार्बन एटम हो सकता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड या फिर ये कार्बन एटम हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑलराइट, तो जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा इसके बेसिस पे हम दो और क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं या तो ये हो सकता है एराइल हैलाइड या फिर ये हो सकता है विनाइलिक हैलाइड या फिर हम सिंपली विनाइल हैलाइड कह देते हैं। ठीक है, और अगर sp3 होता है इसमें भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या तो ये हो सकता है एल्काइल हैलाइड, ये हो सकता है एलाइलिक हैलाइड
या फिर ये हो सकता है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो sp2 में ये दो कैटेगरीज हैं और sp3 में हमारी ये तीन और कैटेगरीज आती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमारी यही वाली है। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हैलोजन एटम। तो जल्दी से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने एक बार लगा दिया फ्लोरीन और एक बार मैंने लगा दिया क्लोरीन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन और इस नीचे वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इन दोनों में बस हैलोजन एटम का ही डिफरेंस है। ऐसे ही एल्फैटिक के केस में भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। तो यहां पे अगर मैंने ले लिया CH3CH2F, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो इथेन, और अगर फ्लोरीन की जगह मैंने कोई दूसरा हैलोजन एटम ले लिया CH3CH2Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। राइट, सो दिस इज इट अबाउट आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। लेट्स सी द सेकंड क्लासिफिकेशन, जो है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ये मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे तुम्हारे मोनो हैलो कंपाउंड्स आ सकते हैं, डाई हैलो, ट्राई हैलो या फिर पॉली हैलो कंपाउंड्स। राइट, तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर CH3 के साथ सिर्फ एक हैलो जो है तो ये मोनो हैलो हो गया। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक ही हैलोजन एटम है, सो दिस इज ऑल्सो मोनो हैलो। तो ये दोनों है हमारे मोनो हैलो कंपाउंड। अगर मैं डाई हैलो की बात करूं, आई कैन टेक दिस, जिसमें दो हैलोजन एटम होंगे, दो हैलोजन एटम्स होंगे और यहां पे भी दो हैलोजन एटम्स होंगे। राइट, सो दिस विल बी योर डाई हैलो। ऐसे ही आई कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्राई हैलो, CH2X, कोई भी हमारा हैलोजन एटम है यहाँ पे CH2X। बेंजीन रिंग पे भी तुम तीन हैलोजन एटम्स दिखा सकते हो, X, X, X। ऑलराइट, सो दिस विल बी योर ट्राई हैलो कंपाउंड। अब ये जो तुम्हारा डाई हैलो है और ट्राई हैलो है, ऐसा जरूरी नहीं है इसके लिए तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी इंक्रीज करने हो। तुम यहाँ पे इस CH3 में ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके डाई हैलो और ट्राई हैलो भी बना सकते हो। देखो, CH2X2 ये बना सकते हो, या फिर इस केस में बना सकते हो CHX3, तो ऐसे भी बन सकते हैं हमारे। ये भी डाई हैलो है और ये क्या है, ट्राई हैलो है। ऑलराइट, so let's move on to the most important classification which we have to do, which is the third one. So on the basis of the type of hybridization of carbon atom in carbon halogen bond, we have two types. ya to ye carbon atom ho sakta hai sp3 hybridized, ya fir ye carbon atom ho sakta hai sp2 hybridized. theek hai, to inko humne further classify bhi kiya tha. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जब तुम्हारा कार्बन एटम होगा, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारी एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये है हमारे हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से एक हैलो एल्केन का एग्जांपल दिखा देती हूं तुम्हें। सपोज तुमने लिया है इथेन, which is an alkane, right? तुमने एक alkane लिया है, तो alkane का general formula क्या होता है? Alkane का general formula होता है CnH2n+2, right? CnH2n+2. अगर मैं इस alkane में से एक hydrogen हटा दूं और उसकी जगह एक halogen add कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3CH2X, right? तो देखो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, हाइड्रोजन एक कम हो गया तो CnH2n+2 की जगह हो जाएगा 2n+1, तो ये बन जाएगा CnH2n+1। लेकिन एक हैलोजन ऐड भी हुआ है तो इसकी जगह एक एक्स्ट्रा एक्स भी दिखाओगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जनरल फॉर्मूला
फॉर योर हेलो एलकेन. ऑलराइट, देखो अब यहाँ पे हम हेलो एल्केन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स. राइट, देखो कैसे करोगे. अगर हमारे पास ये कार्बन एटम है जिससे डायरेक्टली तुम्हारा हैलोजन लगा है, ठीक है, तो अगर इस कार्बन एटम से तुम्हारी सिर्फ एक ही कार्बन चेन अटैच्ड है और बाकी दो हाइड्रोजन्स हैं, देन दिस विल बी नोन एज योर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. अगर हमारा इस कार्बन एटम से दो कार्बन चेन अटैच हैं और एक हाइड्रोजन है, देन दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. अगर इस कार्बन एटम से हमारा तीनों ही कार्बन चेन अटैच्ड हैं, देन दिस विल बी नोन एज टर्शरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड भी हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं यहाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी में सिर्फ एक ही कार्बन चेन होगी, सेकेंडरी में दो कार्बन चेन्स होंगी और टर्शरी में तीन कार्बन चेन्स होंगी. ऑलराइट, लेट्स सी द सेकेंड वन इन दिस कैटेगरी ओनली. एलाइलिक हैलाइड, देखो मैं कोई भी एल्कीन ले लेती हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH. अब देखो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके जो एडजेसेंट कार्बन होता है, या फिर हम कह सकते हैं इस डबल बॉन्डेड कार्बन के जो नेबरिंग कार्बन होता है, दिस इज नोन एज योर एलाइलिक कार्बन. इसको हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन. और अगर इस एलाइलिक कार्बन से डायरेक्टली कोई भी हैलोजन अटैच्ड होगा, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड. तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेना, CH2X हो जाएगा ये. राइट, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड, जहां पे एलाइलिक कार्बन से डायरेक्टली तुम्हारा हैलोजन अटैच्ड होता है. ऑलराइट, और देखो ये जो एलाइलिक कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. राइट, तभी ये इसी कैटेगरी में आ रहा है. ऑलराइट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका. अगर मैंने ये रिंग स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पे देयर इज अ डबल बॉन्ड, ओके, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, इसके एडजेसेंट कार्बन हो गया ये वाला, तो अगर इस एडजेसेंट कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड होगा, देन दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज एन एलाइलिक हैलाइड. ठीक है, या तो हैलोजन यहां हो सकता है या फिर हैलोजन यहां भी हो सकता है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड. ऑलराइट, लेट्स सी आवर थर्ड कैटेगरी. थर्ड वाले में देखो हम करेंगे बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड, अब बेंजाइलिक हैलाइड देखने के लिए हम ये देखते हैं सबसे पहले कि बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है. तो अगर मैंने यहां पे कोई बेंजीन रिंग ली है, इस बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम होता है, दिस कार्बन एटम इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन. ठीक है, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम को ही हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन. और इस कार्बन से अगर तुम्हारा डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है, देन दिस कंपाउंड विल बी नोन एज योर बेंजाइलिक हैलाइड. ऑलराइट, इट्स वेरी इजी, इसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड. अब ये बेंजाइलिक हैलाइड में भी हम या तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कैटेगराइज कर सकते हैं. देखो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है, इससे सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड. अगर मैं इस कार्बन एटम से, बेंजाइलिक कार्बन एटम से मैं एक कार्बन चेन अटैच कर दूं, देखो दो हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन को मैंने हटा के उसकी जगह आर ग्रुप लगा दिया, तो कार्बन चेन लगा दी और एक तो कार्बन ऑलरेडी अटैच्ड ही था, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड. और ऐसे ही अगर मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूं विद द कार्बन चेन, तो ये क्या बन जाएगा, सी आर आर
एक्स और यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन था ही, तो ये कार्बन अब तीन कार्बन एटम से अटैच हो चुका है, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी ये वाली कैटेगरी खत्म होती है जहाँ पे कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, तुम यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये कार्बन एटम क्या है, sp3 है, ये कार्बन एटम क्या है, sp3 है, ये कार्बन एटम क्या है, sp3 है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द कैटेगरी वेयर द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। देखो इस केस में हमें दो कैटेगरीज और पढ़नी है, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, तो इनको भी फटाफट देख लेते हैं। विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स, देखो विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड्स के केस में जो हमारा हैलोजन एटम होगा वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है, तो एराइल हैलाइड तो बहुत इजी है, यहाँ पे बस तुम्हें ये एराइल रिंग देनी है और डायरेक्टली इस एराइल रिंग से अगर तुम्हारा हैलोजन अटैच्ड है देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज एराइल हैलाइड। ठीक है, और विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा, देखो अगर तुम्हारा कोई डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जैसे यहाँ पे ये एल्कीन ली, ये तुम्हारा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ही तुम्हारा हैलोजन अटैच्ड है देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज योर विनाइलिक हैलाइड। ऑलराइट, इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैंने कोई रिंग स्ट्रक्चर लिया है, रिंग एल्कीन है, तो यहाँ पे दिस इज योर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अगर तुम्हारा हैलोजन अटैच है देन दिस इज ऑल्सो नोन एज योर विनाइलिक हैलाइड। ऑलराइट, सो दिस इज इट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स। ये तो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू लुक एट द नॉमेनक्लेचर एंड देन फाइनली वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। Thank you so much everyone for watching. Have a very good day.